तो हम इस वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर सेकंड का के पार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है बेटा? इट इज पावर 4 माइनस 8a² b² प्लस 16 बी रेस पावर 4 माइनस 256। थोड़ा सा ध्यान से देखें, इस पार्ट पे हमारी आइडेंटिटी लग जाएगी। अगर हम ध्यान से देखें, x माइनस वाई का होल स्क्वायर लग जाएगा। क्या लग जाएगा? x माइनस वाई का होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर हमको उस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। इस फोर्थ पावर को लिख लो स्क्वायर का स्क्वायर, x स्क्वायर। x क्या है यहाँ पे? a स्क्वायर है माइनस, अच्छा पहले 16 बी रेस पावर 4 को टैकल कर लें, तो उसको क्या लिख सकते हैं जल्दी बोलो। 4b² होल स्क्वायर स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर माइनस 2 एक्स क्या बेटा? ए ए स्क्वायर, स्क्वायर शाबाश। वाई क्या बेटा? 4b² और इसको मल्टीप्लाई करो तो यही प्रोड्यूस हो रहा है, 8a² b² करके देखो। यस सर, इसका मतलब हमारी आइडेंटिटी बिल्कुल सही चल रही है। माइनस यस 256 को क्या लिख सकते हैं बोलो? 16 16 स्क्वायर, का होल स्क्वायर ठीक है। 16² अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, पहले इस पार्ट को टैकल करो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा एक्स कितना ट्रीट हो रहा है स्क्वायर, और 4b² किस कितना ट्रीट हो रहा है? वाई कितना? माइनस 2xy, ठीक है। तो ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर माइनस माइनस वाई फोर बी होल स्क्वायर स्क्वायर का होल बस। स्क्वायर और ये बेटा 16 स्क्वायर, -16² तो ए स्क्वायर माइनस 4b² प्लस 16 +16 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर -4b² -16 तो जो हमारा के पार्ट है उसका आंसर यही है, ठीक है बेटा। दिस इज द आंसर ऑफ दिस के पार्ट। सबको अच्छे समझ आ गया? अगर एग्जाम में आ गया कर पाओगे ये भी? यस सर।